काजल, ये क्या है? ये हमारे बीच की शर्तों का कॉन्ट्रैक्ट है करण। हमने जितनी भी शर्तें डिसाइड की है उस पर मोहर लगाओगे ना? अरे क्यों नहीं लगाएगा, इन्हीं शर्तों को मानने के लिए शादी के लिए हमें भरी थी ना। चल करण साइन कर। अरे लेकिन बताओ तो सही आखिर इसमें क्या लिखा है? इस कॉन्ट्रैक्ट में टोटल 5 शर्तें हैं। पहली कि मैं कभी जॉब नहीं छोड़ूंगी। दूसरी कि हम दोनों कभी भी हमारे पेरेंट्स के साथ नहीं रहेंगे। तीसरी हम दोनों कभी बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे और अगर फ्यूचर में लगा तो अडॉप्ट करेंगे। फोर्थ घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम साथ मिलकर निभाएंगे। एंड लास्ट कोई भी पार्टी हो, ट्रिप हो, नाइट आउट हो तो हम दोनों साथ में जाएंगे, अदरवाइज कोई नहीं जाएगा, राइट? अपने घर वालों को बिना बताए तुमसे शादी कर रहा हूँ तो ये शर्तें तो बहुत छोटी चीज है काजल। चलो तो साइन करते हैं। करण संभाल करा। ये सब यहां ये कहां चली गई? काजल, काजल तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो क्या? आज से हमारी नई लाइफ स्टार्ट हो रही है। इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। तो अपनी अम्मा को कब बता रहे हो हमारी शादी के बारे में? समय आने पर बता दूंगा। वैसे अभी बताया ना तो बवाल मच जाएगा गांव में।
अरे काजल जल्दी करो, लेट हो रहा है मुझे, वैसे भी रोज लेट हो जाता है तुम्हें ऑफिस छोड़ने में। काजल इस वक्त कौन आ गया? अरे लल्ला कैसे हो? अब यहाँ उधर रख, उधर रख, संभाल गया, कोई सामान टूटना नहीं चाहिए। हाँ उठाओ, वो भी उठाओ, जल्दी करो जल्दी करो, रख वहां रख दो ये बक्सीस। ये क्या अम्मा जी, 10 रुपए से क्या होगा, 50 तो और दीजिए। बेवकूफ नजर आते हम तुमको, हा? वो रखो ना तो वो भी खींच लेंगे हम तुमसे। 10 रुपए कम लगता है तुमको? अरे लल्ला खड़े खड़े ऐसे ही घूरता रहेगा कि अपनी अम्मा के पैर छू के आशीर्वाद लेगा। झुक झुक जियो, झुक झुक जियो बेटा, बस अब जल्दी से ब्याह रचाओ और घर गृहस्थी बसाओ। क्या हुआ लल्ला, कुछ परेशानी है, कोई तकलीफ है तुमको तो बताओ अपनी अम्मा को। वैसे भी हम गांव का सब काम निपटा के आ गए हैं तुम्हारे पास रहने के लिए, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? हाँ, हमने चंदू भैया से कहा कि उसे कुछ नहीं बताना कि हम जा रहे हैं। उसके चेहरे का हाव भाव देख कर ही मैं समझ जाऊंगी, देख कितना खुश लग रहा है तू, है ना। ये कौन है बेटा, तेरी ऑफिस में काम करती है? अम्मा ये बहू है तुम्हारी। बहू? और ये कब की है तुम, हमें कुछ नहीं बताया। अम्मा वो सब कुछ अचानक हो गया पिछले ही हफ्ते, इसका कोई नहीं है ना अम्मा, तो सिचुएशन ऐसी हो गई कि तुरंत शादी करनी पड़ गई, इसलिए तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला अम्मा। अच्छा, अपनी अम्मा को एक फोन करने का मौका नहीं मिला, ऐसा कौन सा बड़ा काम कर रहा है इस शहर में तू? और इससे देखकर तो ऐसे लगता है कि कोई दिक्कत ही नहीं हुई होगी तुमको। हाँ हाँ बस बस, अभी तक तो पैर नहीं छुए, पैर छूने का नाटक मत करो। अम्मा वो कहना है कि हमें काम पे जाने के लिए देर हो रही है, तो हमें जाना पड़ेगा अम्मा, शाम को आके बात करते हैं आपसे। है? अरे ये कहाँ चली, ये भी काम करती है? हाँ अम्मा। अरे लल्ला काहे शादी कर लिया तुमने, अगर दोनों को ही काम करना था तो घर कौन कौन संभालेगा? अम्मा आप आराम करो ना, हम शाम को आकर आराम से बात करते हैं, ठीक है अम्मा? चलो चलो काजल चलो। क्या कर दिया तुमने लल्ला? काजल तुम्हारा ऑफिस आ गया। तुम्हें ऑफिस की पड़ी है रियली? और जो तूफान हमारे घर आ चुका है उसका क्या? तुम्हारी अम्मा गांव से पूरा बोरिया बिस्तर लेकर हमारे घर शिफ्ट हो चुकी है, और वो भी हमेशा के लिए। मैं याद है ना? हाँ काजल मुझे याद है, पर अब कर भी कह सकते हैं। देखो करण मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम तुम्हारी अम्मा से बात करो, उन्हें समझाओ और उन्हें जल्द से जल्द हमारे घर से वापस भेज दो, ओके? काजल देख सच कहूं काजल तो बुरा मत मान, अब मैं भी एक लड़का हूं, सब समझता हूं, मेरी शादी हो गई, लड़की मिल गई, अब ये रूल्स बूज टूट जाए ना तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसा ही एटीट्यूड्स करण का हो गया। पर ये गलत है, करण को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मैंने उसको शादी के लिए इसीलिए हाँ बोली थी क्योंकि उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो जिंदगी भर मेरी सारी शर्तें निभाएगा। अब जो भी असलियत है तेरे सामने है, अब तो उसकी माँ भी उसके घर आ गई है, अब तू आगे आगे देख क्या क्या तमाशा होता है। नहीं, अगर करण ये सोचता है कि मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी, उसकी सारी बातें मान लूंगी, तो वो गलत सोच रहा है। मैं इंडिपेंडेंट लड़की हूँ और मैं अपनी जिंदगी अपने शर्तों पर ही जीऊंगी।
अरे बबू तुम आ गए, तुम्हारी मेम साहब नहीं आई तुम्हारे साथ? अरे अम्मा क्या मेम साहब, बहू है ना वो तुम्हारी, अपनाओगी तो ही होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, अब अपनाने के अलावा हमारे पास चारा ही क्या है। लेकिन रह कहाँ गई है महारानी जी? हा? ये देखो आ गई, बहुत जल्दी की आने में, सब काम जल्दी ही करती हो ना, शायद शादी भी इसने जल्दी कर ली, हर काम उसको जल्दी चाहिए है? ये देखो इसके तेवर देखो। अम्मा तुम भी ना, आते ही टोंट मार दी। अरे खुद भी कहाँ शांत रहती हो तुम। अच्छा अरे काजल सुनो तो, ये देखो चला जो रुका गुलाम। काजल काजल अम्मा की बातों का बुरा मत मानना, वो तो बस ऐसे ही। क्या ऐसे ही, हर बात पे ताना मारना ऐसे ही होता है। ओके छोड़ो तुम ये सब बातें, तुमने क्या सोचा है, तुम अम्मा से कब बात करोगे यहाँ से जाने के लिए? अरे काजल ऐसे कैसे बोल दूं मैं उन्हें जाने के लिए, अम्मा है वो मेरी, उनका मेरे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। तो वो शादी से पहले भी तो गाँव में अकेली रहती थी, और अचानक से इतना प्यार कहाँ से आ गया? हाँ लेकिन अब तो आ गई ना सब कुछ बेचबाज के मेरे पास है? मेरी जिम्मेदारी है काजल वो। मैं कौन हूँ, मेरी तरफ तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखो करण हमने इसके बारे में आगे भी बात कर चुके हैं, और तुमने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है, अब तुम अपने हिसाब से सब देख लो ठीक है। अरे तुम लोग सिर्फ बातें ही करते रहोगे, हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं, खाना बनाओगे कि नहीं बहू तुम? अम्मा आप चलो, मैं अभी आता हूँ बस। देखो मैं देखता हूँ क्या करना है, तुम तब तक थोड़ा शांत रहो प्लीज। अरे ये क्या कर रही है लल्ला, हटो, तुम खाना क्यों बना रहे हो, महारानी जी कहाँ हैं? अरे अम्मा उसे ऑफिस का थोड़ा काम था तो मैंने सोचा मैं ही खाना बना लेता हूँ। रहने दो मैं कर लेती हूँ। अरे अपनी महारानी जी को समझाओ कि ऑफिस के काम के साथ साथ घर का काम भी बहुत जरूरी है। हाँ माँ तो क्या हो गया अगर मैंने खाना बना लिया, आप ना आज के जमाने की सोच के हिसाब से चलना सीखो, अब हर कोई घर का काम करता है, इसमें कोई बुराई नहीं है अम्मा। हाँ हाँ पता है आज का जमाने के हिसाब से, अरे आज के जमाने के साथ साथ पुरानी सीख भी तो बहुत जरूरी है, कि एक के संभालने से कुछ नहीं होगा, दोनों में समझौता होना चाहिए, समझे? जाओ मैं बना दे, अरे मेरा बच्चा जा। सर मैं कल तक रिपोर्ट सबमिट कर दूंगा सर, ट्रस्ट मी सर। करण पिछले एक हफ्ते से तुम यही बोल रहे हो, तुम्हारी वजह से दो बार मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी, आखिर चल क्या रहा है? पिछले दो महीने से तुम्हारा काम अप टू मार्क नहीं है, ऑफिस भी लेट आते हो, ऐसा नहीं चलेगा अब। सॉरी सर, सर मुझे बस लास्ट चांस दे दीजिए, मैं दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगा आपको, प्रॉमिस सर। ठीक है पर आज मुझे शाम तक सारी रिपोर्ट चाहिए। ऑलराइट सर। क्या हुआ करण? होगा क्या, डांट पड़ रही थी मेरे बिटवा को। तुम बताओ क्या हुआ? बॉस का फोन था, वो काम भी काफी ज्यादा पेंडिंग हो गया है और ऑफिस भी रोज लेट पहुंचता हूँ तो इसलिए ये सब। अरे होगा नहीं, ऑफिस का काम छोड़कर अकेला ही किचन में काम करेगा तो होगा ही ना। माँ जी आप हर चीज में मुझे क्यों ताना देती हो? तो किसे दूं ताना? अरे तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे की आज ये दुर्दशा हुई है। माँ जी प्लीज, मैं मेरी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही हूँ, लेकिन अगर बिन बुलाई जिम्मेदारी घर आ जाए तो उसे उठाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है? अच्छा तो हम बिन बुलाए हैं, हैं? हम बिन बुलाए। सुनो ये हमरे लल्ला का घर है, मेरी जब मर्जी आऊं जब मर्जी जाऊं। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, हर दिन एक ही चीज, खुद भी शांत रहो और मुझे भी शांत रहने दो। नाराज कर दिया मेरे बच्चे को, खाए बगैर भी चला। थैंक यू।
अरे मैडम कब तक मुंह लटकाए बैठी रहोगी? यार करण मेरी बातों को सीरियसली ले ही नहीं रहा। 2 हफ्ते हो गए इसकी माँ को, अब तक उनसे वापस जाने की बात नहीं की इसने, और वो कि माँ मुझे हर रोज ताना देती है। यार मैं परेशान हो चुकी हूँ। अरे मैडम चेयर अप, ये सास बहू की बातें छोड़, चल आज तेरा मूड ठीक करने चलते हैं। कहाँ? अरे वही तेरी फेवरेट नाइट आउट प्लेस पे। हाँ यार चलते हैं, काफी टाइम हो गया ना, लगता है कि जैसे मैं हंसना ही भूल चुकी हूँ। तो चल आज मैं हंसा देता हूँ। इसका फोन क्यों ऑफ आ रहा है? क्या हुआ लला? बहू नहीं आई अभी तक? नहीं अम्मा। मैंने कहा था ना तुझसे कि इतनी छूट मत दे अपनी मेम साहब को। हाँ मेरी बात नहीं सुनी ना? अरे पलकों पर उतना ना बिठाओ कि पलके ही टूट जाए। कितनी लापरवाही लड़की है, आधी रात होने को आई और अभी तक घर नहीं आई। अरे अम्मा शांत रहिए ना। अब क्यों शांत रहो, क्यों शांत रहो, कुछ गलत कह रही हूँ मैं? अरे ना फोन लग रहा है ना कुछ अता पता है उसका। काजल? क्या हुआ काजल? तो ये देखना बाकी रह गया था। अरे हमारे लल्ला को तो कभी हमने ऐसा देखा ही नहीं, और ये मेम साहब, शिव 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 शिव। पर ये तुम्हारे साथ और इस हालत में? हाँ वो एक्चुअली आज हम दोनों ने डिसाइड किया कि ऑफिस के बाद इसके फेवरेट क्लब में चिल करने चलते हैं, तो थोड़ी ज्यादा हुई है रात से। ए, चिल क्या? क्या करने? अरे लेकिन फोन क्यों ऑफ था बताना चाहिए ना, हम लोगों को कितनी चिंता हो रही थी। और क्या? एक मिनट मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम्हारी अम्मा ने बताया था यहाँ आने से पहले, बताया था। काजल तुम अंदर चलो आराम से। ले जा। जी नमस्ते। मैं एडजस्ट नहीं करूंगी, मैं एडजस्ट नहीं करूंगी। तुम्हारे अम्मा को भेज दो। नए जमाने की लड़कियां ऐसी होती है क्या? नहीं अम्मा वो तो बस गुस्से में ऐसे ही। गुस्से में किसी भी हद को पार कर जाएगी वो। अरे समाज में कुछ इज्जत होती है कि नहीं? और तुझे क्या हो गया है लल्ला? प्यार में इतना अंधा भी नहीं होना चाहिए कि सही और गलत का फैसला ना कर सके। अम्मा मैं कोशिश करता हूँ कि वो समझे, बस उसे कोई दिक्कत ना हो अम्मा। अरे वो समझ ही नहीं पाती है ना गुस्से के आगे। मैं तुम्हें कहती हूँ ये जरूरी है कि तुम अपना परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, और तुम बहू को काबू में रख बेटा, उस पर लगाम लगा। सर प्लीज सर आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी जॉब इतनी जल्दी कहां से मिलेगी सर? सर एटलीस्ट गिव मी सम टाइम। हेलो सर। करण क्या हुआ? मेरी जॉब चली गई। क्या तुम्हारी जॉब चली गई? पर क्यों? क्यों? क्योंकि मैं ऑफिस के काम में ध्यान नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मैं घर के कामों में उलझा रहता था, इसलिए। तुम ये सब मुझे क्यों सुना रहे हो? ये तुम्हारी गलती है तो तुम भुगतो इसे। क्या गलती है मेरी? यही कि मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हारी सारी अजीब शर्तों को माना, और आज यही शर्तें मेरे लिए जी का जंजाल बन चुकी है। वाह, अब तुम्हें मैं और मेरी शर्तें अजीब लगने लगी। महेश सही कह रहा था, मर्दों की फितरत यही होती है, शादी के बाद सब टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। अच्छा और क्या सिखाया तुम्हारे उस महेश ने तुम्हें? मेरी एक शर्त टूट गई वो दिखाई दिया तुम्हें, और कल रात जो तुमने किया वो, देर रात शराब पी के घर आती हो और मुझे सिखा रही हो तुम। हाँ तो आई थी, लेकिन मैंने ये जो भी किया ना उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अगर तुम मेरी बातों की वैल्यू नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारी बातों की वैल्यू क्यों करूं? और कल नहीं वापस भी आऊंगी।
आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि तुमसे शादी करके मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। दो लोग शादी करते हैं अच्छी जिंदगी जीने के लिए, मगर तुम सिर्फ अपनी और अपनी शर्तों के लिए जीती। अरे लल्ला जल्दी आओ, खाना ठंडा हो जाएगा। लल्ला तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुमको दूसरी नौकरी जरूर मिल जाएगी। अच्छा अब तुम जल्दी से खाना खा लो, मैंने तुम्हारी मनपसंद खीर बनाई है, बैठो। ये लो, ठीक है, पिछले महीने की दूध का और राशन का बिल। तो ये आप मुझे क्यों दे रही हो? क्यों, नौकरी तो तुम ही करती हो, तो सारी जिम्मेदारी तुम ही पर बनती है ना अदीबी। मेरे लल्ला की तो नौकरी चली गई, अब सारी जिम्मेदारी तुम उठाओ। देखो माजी, मुझे आपसे मेरी जिम्मेदारी जानने की जरूरत नहीं है, मैं मेरा खर्चा खुद उठाती हूँ। और रही बात इस घर की जिम्मेदारी की, तो इस घर में टोटल तीन लोग रहते हैं, तो जिम्मेदारी भी तीनों की होती है। मुझे मेरा हिस्सा बता देना, मैं दे दूंगी। देखा, इसे खुश रखने के चक्कर में तू सब कुछ गवा बैठा है, और तुझे उसकी जरूरत है तो चार बातें सुनाकर चली गई वो। तुझे क्या हुआ, तू तो खा ले। देख काजल, सब ठीक हो जाएगा, तुझे जब भी मेरी हेल्प चाहिए ना मुझे बिंदास एक कॉल कर दिया, ओके? अरे मैं हूं ना तेरे साथ। करण, करण, करण नहीं आती तुझे? करण दूसरे की बीवियों को भड़काते हुए? मेरी बात सुन करण, वो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि तू क्या कर रहे, आइंदा मेरी बीवी से दूर रहना, समझा? तुम क्या कर रहे हो, तुम घर जाओ, घर आके हम बात करते हैं, प्लीज। हाँ, अब हम घर जाके ही बात करेंगे, चलो मेरे साथ, अभी घर चलो। करण, करण ये तुम क्या कर रहे हो? करण छोड़ो मुझे। करण, ये क्या हरकत की है तुमने? क्या गलत किया मैंने? सब कुछ किया तुम्हारे लिए, यहां तक कि अपनी जॉब गवा बैठा ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, और आज जब मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। मेरी पत्नी होकर तुमने मेरा साथ नहीं दिया, और वहां उस महेश के साथ टाइम पास कर रही हो। हाँ तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? तुम्हारी जॉब ना मेरी वजह से नहीं गई, तुम्हारी अम्मा की वजह से गई। ना ही वो इस घर में आती, ना ही तुम उसे घर में रखते, ना ही तुम घर के काम करते, और ना ही तुम्हारी जॉब जाती, तो तुम मुझे ब्लेम करना बंद कर दो, ठीक है? ठीक है, मेरी चलती है ना इस घर में, तो अब मेरी चली। तुम अब जॉब नहीं करोगी, मैंने अप्लाई किया हुआ है दूसरी नौकरी के लिए, जल्दी लग जाएगी। अब तुम घर पे रहो और घर संभालो। क्या करण, मैं जॉब छोड़ दूं? शादी से पहले ही हमने डिसाइड किया था कि मैं कभी भी जॉब नहीं छोड़ूंगी। हाँ, पर इसके चलते तुम घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो नहीं निभा रही हो ना, और इसी वजह से सारी गड़बड़ हो रही है, और सहन कौन कर रहा हूं मैं, लेकिन अब और नहीं। अरे ऐसे तो मेरी दूसरी जॉब में भी इश्यूज आएंगे, वो भी चली जाएगी ना। देखो देखो काजल, तुम घर रहो, कुछ टाइम के लिए घर संभालो तुम, हम प्लान करते हैं ना कि मैं आगे क्या करना है, उसके बाद तुम दोबारा जॉब शुरू कर देना। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, हमने शर्त रखी थी ना। मुझे नहीं पता किसी शर्त के बारे में, मैंने बोल दिया तो बोल दिया काजल। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, तुम्हें जो करना है ना तुम करो। काजल, यस सर, सिर्फ दो तीन दिन की ही बात है, मेरी तबीयत ठीक होते ही मैं वापस से ऑफिस ज्वाइन कर लूंगी, तब तक वर्क फ्रॉम होम कर लेती हूँ। थैंक यू सर।
हाँ कौन? हाँ अरे हाँ हाँ कैसे हो? ठीक ना? हाँ हाँ खुश रहो खुश रहो। अरे हाँ बहू के घर वालों को ना थोड़ी जल्दी थी, इसलिए हमने कुछ ही लोगों को बुलाकर शादी निपटा दी। हाँ कहाँ? अरे अभी तो हमने लल्ला से कह दिया है कि जल्दी पोता या पोती हमारे गोद में डाल दो ताकि हम तीर्थ हो आए हैं। अब देखो परमेश्वर हमारी प्रार्थना कब सुनते हैं, तुम तो जानती हो ना ये शहर की लड़कियां कितनी मॉडर्न होती है मॉडर्न। अरे घर गृहस्थी के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता है, कैसे रहना है क्या करना है कुछ नहीं मालूम। हाँ 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 खुश रहो खुश रहो। Yes, sir. I will not disappoint you. We'll wait for your positive response, sir. Thank you. Karan, तुम्हारा और तुम्हारी माँ के कौन सा नाटक है? क्या हुआ? क्या हुआ? ये बात तुम तुम्हारी अम्मा से पूछो। किससे फोन पे बात कर रही थी? उन्हें पोते की शक्ल देखनी है। अरे काजल, अम्मा है वो। उन्हें तो चाह होगी ना, उन्हें थोड़े ना पता है हमारी शर्तों के बारे में। तो उन्हें बता दो हमारे बीच में कौन सा फैसला हुआ है, प्लीज उन्हें बता दो। ये सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है, उन्हें बता दो कि हमने क्या डिसाइड किया है, हमारे बीच में कौन सा फैसला हुआ है। वैसे देखा जाए तो अम्मा गलत नहीं कह रही है, आगे जिंदगी बदलती है, पर हमें पता था कि शादी के 3 महीनों में इतना कुछ हो जाएगा, नहीं ना? मैंने सोचा था लेकिन तुमने एक के बाद एक सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन सुनो करण, मैं इससे ज्यादा कुछ भी बर्बाद नहीं होने दूंगी। शांत हो जाओ पापा, हम अभी कर तो नहीं रहे ना, और फिर अम्मा तो बोलती है ना, बोलने दो उन्हें। तुम जाओ यहां से, मेरा एक और इंटरव्यू है। करण, मैं सोच रही हूँ कि 2 दिन के बाद ऑफिस वापस स्टार्ट कर दूँ। तुम सही कह रहे थे, हमने कभी सोचा नहीं था कि शादी के 3 महीनों में इतना कुछ चेंज हो जाएगा। आजल, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, पर ये बात हमने शादी से पहले सोची नहीं। हर किसी को मनचाही जिंदगी नहीं मिलती है काजल, ये हमें समझना होगा। पर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना? वही तो कर रहा हूं मैं, मगर तुम्हें भी तो थोड़ी कोशिश करनी होगी ना। काजल समय खराब चल रहा है, मुझे जरूरत है तुम्हारी। Thank you.
रुकिए बेटा, रहने दो, बाकी का काम मैं कर लूंगी। अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हें नौकरी मिली या नहीं? अम्मा बात चल रही है। बेटा कब तक बातें करते रहेगा? वो मेम साहब वैसे ही कुछ नहीं सुनती, तू जल्दी नौकरी ढूंढ। वैसे भी लोग न जाने बाहर क्या क्या बातें करते रहते। क्या बातें करते हैं अम्मा? कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम उसका ध्यान मत दो, बस तुम अपनी नौकरी पर ध्यान रखो और जो घर का काम है ना मैं और बहू सब संभाल लेंगे, ठीक है? जाओ मैं कर लेती हूँ, जाओ। सर प्लीज कोई वैकेंसी हो तो जरूर बताइएगा सर। थैंक यू सर। करण, अरे क्या हुआ काजल? काजल तुम ठीक हो? काजल तुम ठीक हो? पता नहीं, सुबह से बहुत अजीब लग रहा है। I'm sure टेंशन की वजह से हुआ होगा। तुम एक काम करो, तुम आराम करो, मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, मैं डॉक्टर को दिखा कर आई हूँ, मैंने कुछ टेस्ट भी करवाए हैं, वो रिपोर्ट्स ना घर पे भेज देंगे। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। काजल शर्मा का घर यही है क्या? हाँ हमारी बहू है, क्या है? मैम ये डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट भिजवाई है। रिपोर्ट? रिपोर्ट काहे की होगी? पता? अरे अम्मा कौन आया था? पता नहीं बेटा, कोई रिपोर्ट आई है देखो। अरे हाँ वो काजल की रिपोर्ट आने वाली थी, मैं देखूँ जरा। अम्मा क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? अम्मा तुम दादी बनने वाली हो। सच? ये भगवान तेरे लाड़ा। काजल तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूं। ये नहीं हो सकता करण, हमेशा प्रिकॉशन। काजल अब जो बोला था सो हो गया, एंड प्रिकॉशंस आर आल्सो नॉट 100%, रिमेम्बर? नहीं करण, हमारी शर्तें। ऐसी बातें कर रही हो काजल, बाहर में गई शर्तें, पेरेंट्स बनने वाली हैं, चेरिश करो उसको। हाँ बहू, तुमने हमें कितनी बड़ी खुशी दी है कि तुम नहीं जानती, बस अब नन्ना से पोता हमारे गोद में डाल दो ताकि हम तीर्थ जाके नहा आए। अम्मा थोड़ा घबरा गई है, मैं समझाता हूँ उसे, आप चिंता मत करो। हाँ जा 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 समझो। काजल? हाँ बोलो काजल। यार एक गड़बड़ हो चुकी है। क्यों क्या हुआ? तुम मुझे एक घंटे में सिटी हॉस्पिटल मिल सकते हो? हॉस्पिटल? काजल सब ठीक है ना? मैं तुम्हें सब मिलके बताती हूँ प्लीज। हाँ आ रहा हूँ, डोंट वरी। काजल? काहे इतने चिल्ला रहे हो? अरे अम्मा काजल कमरे के अंदर नहीं है, कहीं गई है क्या? हम तो अपने कमरे में आराम कर रहे थे, तुम फोन लगा कर देखो। अच्छा बाहर सा रही ना आवाज। हाँ काजल कहाँ चली गई थी तुम? काजल कहाँ चली गई थी तुम बिना बताए? तुम्हें पता है ना कि ऐसे मामले में कितना सतर्क रहना चाहिए, और तुमसे कहा था ना मेरी बीवी से दूर रहने के लिए। मैं सिर्फ इसके साथ डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर? क्या हुआ काजल, तुम ठीक हो?
अजय मैं चलता हूँ, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? उसका पति ना यहाँ खड़ा है, तो कुछ जरूरी होगा वो मुझे कहेगी, समझे? जाओ यहाँ से। काजल तुम उसके साथ हॉस्पिटल क्यों गई? तुमने मुझे क्यों नहीं कहा? हाँ बहू, ऐसी हालत में तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और ऐसी कोई दिक्कत हुई ना तो तुम दोनों को साथ जाना चाहिए डॉक्टर के पास। बस कीजिए आप लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब? मतलब ये कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं, तो रिपोर्ट्स गलत थी। डॉक्टर के पास से अभी चेक करवा कर आ रही हूं, और आप लोग भी शांत हो जाइए, खुद जियो और मुझे भी जीने दो। गलत रिपोर्ट? ऐसा हो सकता है लल्ला? गलत रिपोर्ट्स? किस डॉक्टर से मिली तुम काजल? नंबर दो मुझे, मुझे अभी बात करनी है। तुम्हें क्यों बात करनी है? मैंने बोला तो सही कि रिपोर्ट्स गलत थी। काजल मुझे यकीन नहीं आ रहा है, मुझे नंबर दो, मुझे अभी बात करनी है। नहीं तो एक काम करते हैं, साथ में चलते हैं, हाँ मिलकर आते हैं, चलो। क्या हुआ तुम्हें? मुझे पेट में दर्द हो रहा है, तुम जाओ मुझे आराम करना है। पेट में दर्द? क्या किया तुमने काजल? अबॉर्शन। सुन लिया तुमने, मिल गई तसल्ली, अब तुम जाओ मुझे आराम करना है। तुमने हमारा बच्चा गिरा दिया? हाँ तो हमने डिसाइड किया था कि हम शादी के बाद बच्चा नहीं रखेंगे, तुम इतना क्यों चौंक रहे हो? वो बच्चा हम दोनों का था काजल, फिर तुमने कैसे अकेले फैसला ले लिया? ये मेरी बॉडी है और फैसला भी मेरा ही होगा कि मुझे बच्चा रखना है या नहीं रखना है। शादी के बाद तुम एक के बाद एक सारी शर्तें तोड़ते जा रहे हो, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैं सब कुछ सहती रही, लेकिन ये बच्चा मुझे नहीं रखना। तुम और तुम्हारी अम्मा बच्चा हो जाने के बाद तो मेरे साथ कैसा बिहेव करोगे? जिस घर में कैद करके रख दोगे, मौका मिल जाएगा तुम लोगों को मुझे दबाने का। दबाने का? और कैसा बर्ताव करते हैं हम तुम्हारे साथ? अरे तुम्हारे बारे में सोच सोच के मैं निकम्मा, बिना किसी नौकरी के यहां रह रहा हूं, और तुम कहते हो कि सोचा नहीं तुम्हारे बारे में। करण, तुम्हारे निकम्मेपन की वजह तुम खुद हो, तुम चीजें नहीं संभाल पाए, तुम अपने वादों पर खरा नहीं उतर पाए, तुम अपनी अम्मा को नहीं संभाल पाए, तुम उन्हें घर से वापस नहीं भेज पाए, और तुम अपने निकम्मेपन का बिल मुझ पर मत फाड़ो। और तुमने आज तक जो भी कुछ किया है ना, अपनी अम्मा के लिए किया है, तुमने मेरे लिए आज तक कुछ नहीं किया, ठीक है? मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया आज तक? हाँ, तुमने आज तक मेरे लिए क्या किया है? तुम्हें देखकर लगता है तुम आगे फ्यूचर में भी कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने एक फैसला लिया है। फैसला? कैसा फैसला? यही कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। क्या? हाँ, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैंने सोचा था कि शादी के बाद मेरी जिंदगी और अच्छी हो जाएगी, लेकिन नहीं, शादी के बाद मेरी जिंदगी और बदतर हो चुकी है।
अरे मैं खुद इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, खुद कमा सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं ऐसे घुट घुट कर जी रही हूँ। और वैसे भी जिसका पति कमाता ना हो उसकी पत्नी उसे कब तक झेलेगी? I deserve someone better. Better deserve? तो अब मुझे बर्बाद करने के बाद तुम मुझे छोड़ देना चाहते? सही कहती थी अम्मा, तुम जैसी लड़कियां ना डर बनाती नहीं बिगाड़ती। लो वापस से शुरू हो गया तुम्हारा अम्मा पुराण। तुम ना कभी अपनी गलती मानते ही नहीं, इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है। इसीलिए तुमने हमारे बच्चे को मार दिया, मार दिया उसको। हाँ तो, अरे मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है तो मैं इस बच्चे का क्या करूंगी? सुनो, इसे भी एविडेंस में जमा करो।